नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ विजन टीवी। मैं हूं आपके साथ नेहा। तीन सूत्रीय मांगों को लेकर रोजगार सहायकों ने किया धरना प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ रोजगार सहायक संघ के द्वारा अपने तीन सूत्रीय मांगों को लेकर कल प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके तत्परता में मुंगेली जिला के सभी ब्लॉक मुख्यालय में एक दिवसीय हड़ताल कर मुख्यमंत्री के नाम से राजस्व अनुभागीय अधिकारी को मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें प्रमुख रूप से प्रथम, गेट पे निर्धारण करने, नियमित कर प्रदान करने, दूसरा, जिन ग्राम पंचायतों को नगर निगम नगर पंचायत में शामिल किया जा रहा है वहां सेवा में रखने, तीसरा, ग्राम रोजगार सहायकों को सचिव पद वरीयता के आधार पर भर्ती कर सचिव घोषित किए जाने की मांग। विगत कई वर्षों से लंबित हमारी मांग को लेकर सरकार से समस्याओं के निराकरण हेतु ज्ञापन रैली के माध्यम से अवगत कराया गया है, फिर भी हमारी मांगों को नजरअंदाज की जा रही है, जिसके चलते मजबूरी व सरकार के ध्यान आकर्षण कराने के लिए यह कदम उठाने पड़ रहे हैं। यदि मांग शीघ्र पूर्ण नहीं की जाती है तो उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी संघ के ब्लॉक अध्यक्ष गंगा राम साहू के द्वारा कही गई है। एकदम सूक्ष्म मानदेय 5 से 6 हजार की मानदेय में गुजर बसर कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है अभी छत्तीसगढ़ शासन क्या पूरा भारतवर्ष जो है कोविड-19 की संघर्ष से जूझ रहा था। इस दरमियान पूरे रोजगार सहायक संघ ने, पूरी रोजगार सहायकों ने मजदूरों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए मनरेगा के कार्यों में 200 से 300 400 मजदूरों के बीच अपनी जा करके, हालांकि मनरेगा कोविड-19 की पालन करते हुए रोजगार मुहैया कराए हैं, लेकिन उस बीच में रोजगार सहायकों के लिए किसी भी प्रकार की न तो बीमा की व्यवस्था है, न ही कुछ भी की व्यवस्था की गई थी। और हमने मजदूरों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत किया। इस दरमियान इसी से हमारे गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ जो है हमारे इस बलबूते के बदौलत लगातार अवार्ड प्राप्त कर रही है। तो हम छत्तीसगढ़ सरकार से ये चाहते हैं, आज 14 वर्ष हो गया 5 से 6 हजार तनख्वाह में। वही महिला रोजगार सहायक मोनिका यादव ने कहा कि सरकार समस्याओं को समझने की कोशिश नहीं कर रही है। 6 हजार पर मंथली के रूप में 4-6 महीने मिलते हैं, जो बहुत ही कम है। इस संबंध में लगातार सरकार को अवगत कराया गया है, फिर भी इस ओर कोई पहल नहीं करने की बात कही। हम लोग को इसमें काम करते हुए कोविड-19 में ड्यूटी लगा था हम लोगों का, पर कुछ भी सुधार नहीं हुआ है। सैलरी ना तो पढ़ाई जाती है और ना ही टाइम पे दी जाती है हम लोगों को, बस काम पे काम, लेकिन ना तो कोई सुधार होता, ना तो कोई रिस्पेक्ट है, ना कुछ है। जब मन किया तो थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ, तो शिकायत, कोई सुधार नहीं है। तो भाई नियमितीकरण हो जाए और सैलरी भी थोड़ी बढ़ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या इसमें TAVA के कोई रूल्स हैं कि नहीं सर, PF मिलता है, बाकी का कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? मोनिका यादव, रोजगार सहायक। किस पंचायत? अभी लक्की पंचायत। अब देखने वाली बात होगी कि इनकी लंबित मांगों को कब तक पूर्ण करती है, यह तो प्रदेश मुखिया के ऊपर निर्भर करता है। मुंगेली से प्रीतम दिवाकर, छत्तीसगढ़ विजन टीवी। नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यूं ही छत्तीसगढ़ के लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।